मिलिए यीशु से। हेलो, ये परमेश्वर का पुत्र है और सारी दुनिया का उद्धार करने वाला है। जब यीशु धरती पर थे, उन्होंने सबको परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया और बीमारों को चंगाई दी। यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए, जैसे पानी पर चलना, एक मिनट, और कुछ मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। जब यीशु इस धरती पर थे, उन्होंने सबको परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया, उन्होंने कई चमत्कार किए और बीमारों को चंगाई दी। ओ, मैं ठीक हूँ। यीशु अपने चेलों के साथ चल रहे थे, तब उन्होंने एक आदमी को देखा जो पैदाइशी अंधा था। ओ यीशु, यीशु के चेले इस सोच में पड़ गए कि ये किसकी गलती है कि ये आदमी देख नहीं पाता। यीशु ने उनसे कहा कि ये किसी पाप की वजह से अंधा नहीं है, लेकिन इस वजह से है ताकि परमेश्वर की शक्ति इसके जीवन के द्वारा लोगों को दिखाई जा सके। यीशु ने फिर उस जमीन पर थूका और उसकी मिट्टी बनाई। उस मिट्टी को लेकर यीशु ने अंधे व्यक्ति की आंखों पर मल दी और फिर यीशु ने उसे कहा, जाकर सीलो के नदी में अपने आप को धो ले। अंधा आदमी वहां से गया और जैसा यीशु ने कहा वैसा उसने किया और फिर वो देख पाया। वाओ! उसके पड़ोसी और जो ये जानते थे कि ये आदमी अंधा है, ये सोचने लगे कि क्या ये वही आदमी है? नहीं तो वो कहने लगे, नहीं, ये तो सिर्फ उसकी तरह दिखता है, वो थोड़ी है। अंधा आदमी उनसे कहता रहा कि अरे भाई, मैं वही हूँ। लोग उससे पूछने लगे, अरे तुम देख कैसे सकते हो? ये चमत्कार कैसे हो गया? तब अंधे आदमी ने उन्हें बताया कि यीशु ने उसके जीवन में क्या क्या किया है। लोगों ने पूछा कि यीशु इस वक्त कहाँ है, लेकिन उस आदमी को पता नहीं था। तो वे उसे फरीसियों के पास ले गए, क्योंकि वो एक सबत का दिन था, एक ऐसा दिन जहाँ काम काज करना मना था, और उन्हें लगा कि यीशु को अपने हाथों से मिट्टी बनाकर इस आदमी को चंगाई नहीं देनी चाहिए थी सबत के दिन। फरीसियों ने उस आदमी से बहुत सारे सवाल पूछे, क्या चल रहा है ये सब? और उसने उन्हें जवाब दिया कि मैं अंधा था, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ। फरीसी सवाल पूछते गए, उन्होंने उस आदमी के माता पिता को भी बुलाया सवाल पूछने के लिए, लेकिन वे उन्हें जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। आखिर वो आदमी खुद चिल्ला उठा, देखो मैंने तुमसे एक बार कहा है और कितनी बार कहूँ, अगर ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये मुझे मेरी आंखों की रोशनी कैसे दे सकता था? ना, चल यहां से, निकल जा, वापस कभी मत आना। यीशु ने इस किस्से के बारे में सुना। हेलो, उसने उस आदमी को ढूंढा और उससे पूछा, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र में विश्वास रखते हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि वो कौन है, मैं उसमें विश्वास करना चाहता हूँ। और यीशु ने उससे कहा, वो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है और तुमसे बात कर रहा है। वाओ! हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। और वो यीशु की आराधना करने लगा।